नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक नए ब्लॉग में। भाई ब्लॉग धांसू नहीं होने वाला क्योंकि पक्षोतिया जो होता है और ये बहुत लंबे समय बाद आने वाला है जो अभी रिकॉर्ड हो रहे हैं, क्योंकि रोड टू नेशनल का सफ़र शुरू होने वाला है। डे वन ब्लॉगिंग चालू। हम इस सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, जितने चीज़ हम बना रहे हैं, जितने चीज़ हम रिकॉर्ड करेंगे, सभी को रिकॉर्ड करेंगे। तो पहला दिन है, पता नहीं क्या जाएगा क्या नहीं, पर बने रहना और देखते रहना, यही कहूँगा और कुछ नहीं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि वो गिर के जमीन पे आ चुकी है, पर कोई हम ट्राई कर रहे हैं। डे वन, चल बॉडी वेट काउंटर। सेवेंटी एट केजी। मेरे छत्रछाया में है, मैं बता सकता हूँ। और मेरा डे वन है और इसका भी डे वन है। मेरा डे वन है, आपको बताया हूँ शुरुआती में, रोड टू नेशनल। इसका डे वन है ये पावरलिफ्टिंग का, ये जर्नी स्टार्ट किया है। आज ये गान जो है इसका बात कोई मत सुन, लौड़ा एक तो गाना बजा के गांठ फाड़ रहे हो अपना, ठीक है। अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग, मतलब अभी शुरुआत ही करेंगे। आज भी मेरा भी और इसका भी वर्कआउट प्लान हम लोग ने बस सिमिलर रखा है, थोड़ा सा इसका प्रोसेस और ट्राई बेटर रहेगा। तो भाई लोग, ये है एक आगे जाने की जर्नी जिसमें आपको लाइफ को स्ट्रगल करना पड़ेगा। कुछ लोग आपसे नाराज होंगे, कुछ लोग आपसे दुखी होंगे, गुस्सा होंगे, क्रोधित होंगे, मतलब ये समझो कि कुछ सभी लोग एक जैसा नहीं हो सकते हमेशा। तो सबका सुनो, करना है तो खुद का करो भाई। कोई तुम्हारे साथ परमानेंट नहीं रहेगा पूरे लाइफ में, कोई परमानेंट नहीं, इवन योर पेरेंट्स, लव एंड वाइफ, कोई भी परमानेंट नहीं है। तो सबको टेम्प्रोरी समझ के आगे बढ़ो, बस कुछ नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। टेम्प्रोरी समझो, सबको टेम्प्रोरी समझो। ये इवन मेरा बॉडी है वो भी टेम्प्रोरी है, कभी अच्छे कंडीशन में रहती है, कभी बुरी कंडीशन में रहती है, कभी अच्छा लिफ्ट जाता है, कभी बुरा लिफ्ट जाता है। सिमिलर चीज़ हर रोज चेंज होता है, हर रोज उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। कभी ऐसा डिप्रेशन में जाना ही नहीं कि भाई ये नहीं मिल रहा मुझे, यही होना चाहिए था, या अरे जहाँ होना चाहिए था वहाँ जाओगे तुम, जैसे अभी जा रहा हूँ कहीं और। देखो तभी पता चलता है वोटों कैसे थे, देख के फील नहीं होगा कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और अगर आप 60 किलो के पास में हो और 105 केजी का करीब उठाना हो, फटके चार बन जाएंगे, चार पांच अंगुली दिखा के बोल रहा हूँ, फटके चार हो जाएंगे। तो जैसे मालिश करते हैं वादी बोल जाएगा कि लगता है तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में दौड़ रहा है, कभी इधर मारता है, लगता है उधर मारता है। वो सीढ़ी के गैस है वो, कल ही पता चला कि बच्चा चला पड़ रहा है।
पूरे स्टार्ट का दल लास्ट सेट है ऐसे देखे तुमको ना पता चला लास्ट सेट है वो रैप कम से कम किसी और से सपोर्ट से लेना जो शुरुआत में लोग लेते हैं यहाँ पे एल्बो में लेकर लगा के रिस्क करवा कर पहले गेट से सही से यूज करते हैं वो सब चीजें बंद कर दो लास्ट के दो रैप निकलवाना है किसी का सपोर्ट लेना उससे पहले नहीं लेना ठीक है तो चालू है जब तक लास्ट सांस से तब तक किसी भी चीज को और किसी भी मसल को ट्रेन करो आखिरी दम तक जब तक निकल ना जाए जब तक अंदर के आपके ताकत ना जाए तब तक उसको खींचो पकड़ो फोर्स करो तभी मसल टियर रहेगा सोचो कैसे आए उठाए और गए नहीं हो सकता पूरा के पूरा ताकत झोंक दो घर जाओ सो जाओ और सब कुछ नहीं कर सकते चलो बंद करो ये फोरआर्म्स के मसल में क्रैम्प आ गया है जिसके कारण ये जब आर्म टूट रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मैं फोर्स ज़्यादा लगा रहा हूँ और थोड़ा सा अंदर की तरफ ये रह रहा है जबकि ये जब खुल रहा है बाहर की तरफ खुल रहा है और ये अंदर की तरफ एक छोटी सी गलती आपके पूरे पोस्चर को बिगाड़ सकता है याद रखना जब भी आप वॉकआउट करें सोचिए कि थोड़ा सा सेफ और रहे जितना थोड़ा सा सेफ रहिएगा उतना कम इंजरी होगा अब इस पोस्चर में यहाँ और यहाँ से फोरआर्म्स का जो मसल है स्क्वाट मारते समय आर्म पीछे की तरफ गया मैं जब लो बार लिया था उस टाइम का ये है और जो इसका दर्द अभी तक ये 3 दिन हो गया इसका दर्द शुरू हुए और इसका जा नहीं रहा है पर वॉकआउट है करना तो पड़ता है तो खत्म हो गई पर बात ये नहीं है कि का कैल का ना कैल कैसे कैल कैसे ना कैल बात ही बा कि जोन कैल पूरा देह से ताकत लगा के कैल कान फाटे तो फाटे अपन फाटे दोसर के फाटे उसे कोई मतलब नहीं है पर इम्पोर्टेंट ये बा कि मजबूती से करे के चाहिए पकड़ रिकॉर्डिंग में लिया।